आज हम बनाने वाले हैं एकदम परफेक्ट बाजार जैसी आंवला कैंडी, वो भी एकदम फ्रेश घर में ही बना के तैयार करेंगे। बहुत आसान तरीके से ये बहुत इजीली बन जाती है, तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 किलो आंवला ले लिए हैं, इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया था पानी से और इसको अच्छे से सुखा लिया है। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो। मैं आपको ये जो पूरा रेशियो है ये 1 किलो का बताऊँगी। तो अब हम इसको सबसे पहले स्टीम करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। तो ये मैंने एक बड़े बर्तन में 250 से 300 ml पानी चढ़ा दिया है। ये अच्छे से बॉईल हो जाए तभी आपको आंवला स्टीम करना है। हम स्टीम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके अंदर ही रहेंगे और ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए हम इसको बॉईल नहीं कर रहे हैं। अब ये मैंने एक बड़ी सी छलनी लगा दी है और इस पर हम ये आंवला रख देंगे। सारे आंवला हम इस पर रख देंगे और इसको ढक देंगे। करीबन ये 8 से 10 मिनट में अच्छे से स्टीम हो जाते हैं। आप इसको एकदम पैक ढके जिससे कि इसकी गैस बाहर ना निकले, तो ऐसे दूर दूर हम थोड़ा रख देंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जिससे कि वो अच्छे से पक जाए। तो मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए इसमें बहुत अच्छे से कलर भी आ गया है और अच्छे से पक गया। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चम्मच से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो इसकी जो ऐसे छल्ले निकलने चाहिए निकल रहे हैं, मतलब ये अच्छे से पक चुके हैं। आप इसको दबाकर देखिएगा, बिल्कुल कच्चे नहीं होने चाहिए। ये देखिए ऐसे खुल जाते हैं, ये पूरे ऐसे खुल जाने चाहिए, ये देखिए ऐसे। ये तो ये अच्छे से पक चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। तो इसको एक थाली में निकाल लेते हैं ठंडा रख करने के लिए। तो ठंडा हो जाए उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है, ये अब हाथ लगाने लायक हो गए हैं। तो इसको अब हम इसके जैसे छल्ले निकलते हैं इनको निकाल लेंगे और इसके अंदर की जो गुठलियाँ होती है वो फेंक देंगे। ये देखिए बहुत ईजिली खुल जाते हैं, ये जब अच्छे से पक जाते हैं ना स्टीम होने के बाद तो बहुत अच्छे से खुलने लग जाते हैं। ये देखिए ऐसे ये इतने पकने चाहिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसको। ये देखिए ऐसे, तो ये एकदम परफेक्टली पके हैं, ज़्यादा भी नहीं पके और कम भी नहीं, एकदम परफेक्टली इतने ही पकने चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसको सारे को तैयार कर लिया है, छील लिया है और सारी गुठलियाँ जो थी वो फेंक दी है। ये एकदम अच्छे से मैंने इसको तैयार कर लिया है आंवले को। अब हम इसके बनाने की प्रोसेस में चलेंगे। तो मैंने 1 kg आंवला लिया है, तो ये मैंने 700 ग्राम गुड़ लिया है। ये पाउडर वाला जो गुड़ आता है ना वो है, और अगर आप चाहे दूसरा चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन 1 किलो के नाप के हिसाब से 700 ग्राम गुड़ आपको लेना है। तो अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा डालकर। ये देखिए ऐसे हम इसको खोलते जाएंगे। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है इसमें। और अभी ये मेरा थोड़ा बोल जो है थोड़ा छोटा पड़ गया है, तो मैं इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ पहले। और इसको आंवले को आपको मिक्स करना है उस गुड़ के अंदर ही, तो मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है जिसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये पूरा गुड़ इसमें डाल देती हूँ मैं ऐसे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना है, नहीं तो जो हमारे जो आंवला की जो ये फांके हैं ये टूट जाएगी। ये देखिए ऐसे हल्के हाथों से एकदम। तो आंवला में जो थोड़ा सा पानी था तो उससे गुड़ जो है हमारा थोड़ा चिकना चिकना हो गया है, तो उससे कुछ नहीं होता है। अभी तो ये पूरा पानी छोड़ेगा, हमको इसको 3 दिन के लिए रखना भी है, तो वो मैं आपको आगे की प्रोसेस में बताती हूँ। तो ये देखिए ऐसे हम इसको गुड़ को अच्छे से फोड़ फोड़ के तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम मैं उस बोल में वापस डाल देती हूँ इसको स्टोर करने के लिए। तो देखिए गुड़ ने पूरा पानी छोड़ दिया है और एकदम थोड़ा स्टिकी हो गए हैं, तो ऐसे ही हो जाने चाहिए। ये गुड़ मेल्ट होने लग गया है, तो ये मैंने पूरा डाल लिया और ये हमारा पूरा मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको 3 दिन के लिए रख देंगे। आप कहीं भी रख दीजिए, घर ही में रखना है आपको इसको 3 दिन के लिए। तो ये देखिए मुझे 3 दिन हो गए हैं और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी कि कितना अच्छे से गल गया है आंवला हमारा, एकदम जैसे हम कैंडी खाते हैं तो कैसे सॉफ्ट हो जाती है बस वैसे ही। तो देखिए गुड़ का पानी था, मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला है, 3 दिन मैंने इसको स्टोर करके रखा था। तो हमें इसे फ्रिज में नहीं रखना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आप घर में इसको कहीं भी किसी कोने पर रख दीजिए। अभी जो पानी है इसका गुड़ का, हम इसको छान लेंगे पूरा।
मैं आपको आंवला तोड़ के दिखाती हूँ, ये बहुत सॉफ्ट हो गया है, जैसे हम एकदम चॉकलेट खाते हैं ना, बस वैसे ही। तो ये देखिए कितना जूसी हो गया, ये देखिए ऐसे टूटना चाहिए तभी ये अच्छा से बनेगा, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा, और इसमें कसैला टेस्ट भी आएगा जो आंवले का होता है। तो बस आपको ऐसे 3 दिन के लिए रखना है इसको। अब ये जो पानी बचा है आप इसको फेंकिए मत, ये भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। आप इसको गर्मियों के मौसम में सेंधा नमक वगैरह डाल के आप इसका जूस बना के पी सकते हैं, ये 6 से 7 महीने आराम से चलता है। अब मैंने उसको आंवला को निचोड़ने के बाद धूप में सुखा दिया था, तो ये देखिए कड़क धूप में आप इसको एकदम दूर दूर सुखाइएगा, नहीं तो इसमें फंगस लग जाते हैं। तो ऐसे दूर दूर सुखाइए, करीबन 1 दिन पूरी कड़क धूप में सुखाइए। तब हम इसका मसाले की प्रोसेस में चलेंगे। तो ये 1 से 1.5 चम्मच सौंफ, सौंफ थोड़ी ज़्यादा लीजिए, 2 लौंग, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हिंग, और ये थोड़ा सा जीरा ले लिया है मैंने, आधा टीस्पून। ये सौंठ का पाउडर है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये थोड़ी सी काली मिर्च, 2 इलायची, थोड़ा सा काला नमक, और ये जो है थोड़ी सी अजवाइन। इन सबको हम मिक्सर में डाल के पीस लेंगे, एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे। ये हम जब कैंडी सूख जाएगी धूप में उसमें मिक्स करेंगे। तो मैंने कैंडी को सुखा के तैयार कर लिया है और उसको एक बर्तन में डाल लिया है। तो अभी हम इसको बारीक पाउडर पीस लेते हैं एकदम। बहुत ही सुपर टेस्ट आता है इसका, एकदम बाजार जैसे। तो आप इसको ज़रूर बनाकर देखिएगा और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो ये देखिए धूप में मैंने इसको पूरा 1 दिन सुखाया था, तो ये देखिए कितनी परफेक्ट सूखी है और एकदम ऐसी जूसी जैसी हो गई है। और अब हम इसमें मसाला मिक्स करेंगे। तो मैंने जो पीस के मसाला तैयार किया ये देखिए, अभी थोड़ा दरदरा है तो हम इसको छान कर डालेंगे। और एक साथ आपको पूरा नहीं डालना है, नहीं तो मसाला ज़्यादा भी हो जाता है। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके डालें और टेस्ट कर लीजिए डालने के बाद, एक बार खा के देख लीजिए, अगर आपको कम लग रहा है तो आप और ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा ही डाला है, 1.5 चम्मच करीबन डाला है। इसको छान के डालेंगे जिससे कि जो इसके मोटे जो दाने होते हैं वो मुँह में नहीं आएंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मैंने जो ये थोड़ा सा मसाला बचाया है ये मैंने बचा लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाता तो इसको मैं अलग रख देती हूँ। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो देखिए कितना इजीली घर में बन के तैयार हो जाता है, और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं रहते हैं, कोई केमिकल्स नहीं रहते हैं, एकदम घर का टेस्टी हेल्दी आंवला का। अगर आपको आंवला खाना है तो आप इस तरह से ज़रूर बना कर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें मसालों का टेस्ट अच्छे से चिपक गया है। अब ये 1 से 1.5 चम्मच हम शक्कर का पाउडर डालेंगे। आप इसमें शुगर फ्री भी डाल सकते हैं अगर शुगर पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो। और इसमें 1 चम्मच डाल देते हैं। आप इस मौके पे आप टेस्ट करके ज़रूर देख लीजिए, अगर आपको कुछ कम ज़्यादा लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं। बस हमारी आंवला कैंडी लगभग बन गई है। इसको हाथ से थोड़ा मिक्स कर लेंगे जिससे कि चिपक जाएगा। आपको शक्कर का पाउडर आखिरी में ही डालना है जिससे कि वो चिपकेंगे नहीं, आंवला जो एक दूसरे से चिपकते नहीं है, शक्कर के पाउडर से थोड़े खिले खिले रहेंगे, सूखे एकदम। तो ये देखिए एकदम टेस्टी हेल्दी और घर की बनी हुई आंवला कैंडी बनके तैयार हो गई है। बहुत आसान है, आप देख सकते हैं वीडियो। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।